में, और अगर आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। मैं आपसे कभी नहीं कहता कि आप मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए या पसंद कीजिए या फिर, है ना, क्योंकि आपने सुना होगा कि जितने मैंने वीडियोस बनाए मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप व्हाट्सएप पे शेयर करें या फेसबुक पे शेयर करें या सोशल मीडिया में अपने दोस्तों को खूब बताएं। उसका एक रीज़न है, पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते और मुझे पता नहीं चलेगा। भाई सिंपल सी बात है, मुझे पता चल जाता है कि कितने परसेंट वीडियो देखा गया, क्या एवरेज है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप खुद वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं तो आप दूसरों को क्या बता पाएंगे या दूसरों के साथ क्या शेयर कर पाएंगे। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप निवेशक हैं और अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, बेहतरीन कंपनियों के बारे में जानना चाहते हैं, धीरे धीरे कमाना चाहते हैं, तो आप बहुत लंबे रेस के घोड़े बनेंगे, कछुआ बनेंगे, खरगोश नहीं बनेंगे। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, हो सकता है कि ये थोड़ा मेरा भाषण आपको लंबा लग रहा हो, लेकिन अगर आप इनको अपने जहन में बिठा लिया तो आप शेयर मार्केट में उन परसेंटेज में आ जाएंगे जो शेयर मार्केट से पैसे कमाते हैं, न कि गंवाते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ आपका। अगर कह दिया जाए कि 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है, है ना, आपको 5 किलोमीटर दूर जाना है, और अगर आप वहाँ पहुँच गए तो आप सफल हैं, आपको इतना अमाउंट मिलेगा, इतना बड़ा प्राइस मिलेगा। तो अगर आप पूरी तेज़ी के साथ, ये शुरुआत जहाँ से होती वहीं से आप दौड़ना शुरू करेंगे, आप आधा किलोमीटर चलने के बाद थक जाएंगे, हाँफने लगेंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो इंसान, क्योंकि यहाँ कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, ऐसे शेयर मार्केट है। तो जब आप आधा किलोमीटर में हाफ जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन जो इंसान धीरे धीरे चलता जाएगा, रुकते रुकते चला जाएगा, पानी पिएगा, फिर चलेगा, वो थकेगा नहीं, वो मंजिल तक पहुंच जाएगा और वो विनर कहलाएगा। तो इसी तरह अगर आप पूरा लमसम पैसा बिना जाने बूझे किसी कंपनी में डाल दिया, आपके पास तो पैसे ही नहीं बचा, आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। इसीलिए ऐसे गिरावट में थोड़ा थोड़ा लगाते रहिए, आप बोनस का लाभ लीजिए, आप डिविडेंड का लाभ लीजिए, आप शेयर की क्वांटिटी बढ़ाते रहिए, फिर देखिए आप लंबे समय में कितना कमाते हैं। याद रखिएगा मुझे। बढ़ते हैं आज एक ऐसी कंपनी की तरफ जिसका नाम है मैरिको लिमिटेड। पहले हम प्रोडक्ट्स जानेंगे, फिर उसके कुछ बिजनेस के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर फंडामेंटल देख के हम रिटर्न भी दिखाएंगे आपको। इनके जो ब्रांड्स हैं, कहाँ का, इंडिया के अलावा किन किन कंट्रीज़ में बिकते हैं या उपलब्ध मिल जाते हैं, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडिया तो है ही, मलेशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, वियतनाम। इनके जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, अब प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, मान लीजिए अगर आप, जैसा कि अभी ऑटो सेक्टर के बारे में आपने सुन रखा है, ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया कुछ सालों में, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि यार गाड़ियाँ बहुत हो गई, लोगों के पास बहुत ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है मेट्रो सिटीज़ में या छोटे शहरों में, बहुत जाम लगता है, एक काम करिए हम सब जगह मेट्रो बनवा देते हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे आप सब लोग लेके चलें, हम फेयर कम कर देते हैं, या फिर टैक्सीज या वो हायर करके चलिए, बहुत ज़्यादा उन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए या फिर उन्होंने कुछ गाइडलाइंस ऐसी ला दी जिससे लोग परेशान हो गए और उन्होंने गाड़ियाँ अपनी खरीदनी नहीं बंद कर दी। तो जब गाड़ियाँ खरीदनी बंद कर देंगे, देखिए मैं ये कुछ किसी कंपनी के अगेंस्ट या सेक्टर के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, एक हम अनुमान लगा रहे हैं कि आज से 10 साल बाद या आज से 5 साल बाद क्या कभी ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो रहा तो नेट सेल्स में उनकी डाउन होगी, जब उनकी गाड़ियाँ नहीं बिकेंगी तो हमें रिटर्न कैसे मिलेगा, उनको प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन जो तेल है, खाने पीने की चीज़ें हैं, लाइफ स्टाइल की चीज़ें हैं, वो गवर्नमेंट आपसे छीनने वाली तो है नहीं, है ना। गाड़ियों में पोल्यूशन की वजह से तो उनको इलेक्ट्रिक करना पड़ रहा है, उनमें भी बहुत उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए इसका जो मेन ब्रांड है पैराशूट, मैरिको लिमिटेड का जो मेन ब्रांड है इनका पैराशूट, जो नारियल तेल है, सब आप इस्तेमाल करते हैं, घर का इस्तेमाल करते हैं, और ये ऐसी चीज़ है कि कोई कार नहीं कि आपने एक बार ले लिया 10 सालों तक के लिए छुट्टी, ये आपको जैसे ही ख़त्म होगा, घर में चार परिवार ने लगा लिया, आप हर तीसरे दिन, हाँ आप हर महीने लेते आओगे। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं घर घर में बिकते हैं, इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं। तो बहुत पुरानी कंपनियां हैं,
ऐसी कई और कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, तो FMCG एक अच्छा सेक्टर लगता है। और कुछ बैंक्स हो गए जिनमें हमें लंबे समय पे थोड़ा थोड़ा करके अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें अच्छा रिटर्न मिल सके और हमें लॉस ना हो कि अगर अचानक कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री बंद हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर नोटबंदी के बाद से जिस प्रकार से सो गया, या फिर और भी कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें रिस्क रहता है भाई, जैसे ऑटो सेक्टर या ऑटो इंसलरी से संबंधित है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो बाउंस बैक नहीं करेंगे, वो करेंगे। इंडिया की ग्रोथ अभी तो शुरू ही नहीं हुई है, लेकिन एक अगर सुरक्षित तरीके से आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि किन कंपनियों में हमें फोकस करना चाहिए, तो उसी कंपनियों में से हमें एक मैरिको लिमिटेड भी ठीक ठाक लग रही है। तो उसमें हम देखते हैं, इनके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, टू रूट्स, सफोला, फिट टिफी, काया यूथ, क्रीमी ऑयल, जेल, पैराशूट, पैराशूट एडवांस, बॉडी लोशन, लिवोन हेयर एंड केयर, सफोला एंड निहार, निहार नेचुरल्स, मेडिकेयर, रिवाइव। तो इतने इतने ऐसे शानदार प्रोडक्ट्स इन इन कंपनीज़ में ये व्यापार करती है, और इनको किस प्रकार से इनका जो है पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो पहले हम देख लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। देखिए करंट प्राइस जो है 384 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है, 384, और बुक वैल्यू है 23 की, तो बुक वैल्यू से कई गुना है। अब अगर हम और भी देखते हैं, साल का जो हाई है 401 रुपये तक गया था, लो बनाया था 282, और हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है 384 के आसपास। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, सेल्स ग्रोथ इसकी 6.82% है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय शानदार है, 40% से ज़्यादा की है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी शानदार है, 39.67% के, और फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये की है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि कंपनी इज़ वर्चुअली डेट फ्री, मतलब इस कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है, तो एक और अच्छी चीज़ आपको जानने को मिल गई। अगर हम पीयर कंपनीज़ में देखते हैं प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से, तो देखिए पहले नंबर पर डाबर इंडिया, गोदरेज, फिर तीसरे नंबर मैरिको है, और पी रेशियो के हिसाब से इसका तीसरा नंबर 41 है, जबकि डाबर का 50 है और गोदरेज कंज्यूमर का 29 है। अब जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देखते हैं, तो हम सिर्फ देख लेते हैं मार्च 19 का और जून 19 का, है ना। तो जहां मार्च 19 में 1609 करोड़ की थी, वहीं बढ़ के 2166 करोड़ की हो गई जून 19 में, एक शानदार बढ़त के साथ। और अगर हम कुछ वर्षों का, जैसे 2008, 2009, 2010, 2011 जिनके साल का अंत का एंड का, तो लगातार 2019 तक देखते हैं, तो नेट सेल्स में इनकी जो है ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है, और हाँ अभी तक तो ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है, और हर साल दर साल इनकी नेट सेल्स बढ़ी है एक अच्छी। तो ये एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब कंपनी ग्रोथ करते जा रही है, भले ही कम करते जा रही है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले नेट सेल्स में बढ़ोतरी है प्रतिवर्ष। इसी प्रकार से अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं शुद्ध लाभ में, तो यहाँ पे भी जो है लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, यस प्रतिवर्ष यहाँ पे जो है नज़र आया। तो अगर जहाँ मार्च 18 में 6322 करोड़ की नेट सेल्स हुई थी, वहीं मार्च 19 में 7334 करोड़। वहीं हम नेट प्रॉफिट में भी देखते हैं, तो नेट प्रॉफिट इनका था शुद्ध लाभ मार्च 19 में 1118 करोड़ का, और पिछले वर्ष यानी मार्च 2018 में के क्वार्टर में 814 करोड़ का शुद्ध लाभ था। तो एक ग्रोथ के साथ कंपनी अनवरत ग्रोथ कर रही है, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ इसकी जो है 3 ईयर्स का हम देख ही चुके हैं, प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है 16% के आसपास है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख चुके हैं 35% कंपाउंडिंग ग्रोथ पे। इस प्रकार से अगर हम इनके पास रिजर्व्स देखते हैं, तो मार्च 19 में जो आंकड़े दिखा रहा है 2897 करोड़ का इनके पास रिजर्व है, और बोरविंग्स 352 करोड़, जो कि एक बहुत कम है, मामूली सा। तो ये रहा इनका बेसिक चीज़। तो दोस्तों एक शानदार कंपनी है जिसके बारे में मैंने, प्रोडक्ट के बारे में इनके बताया, अब इसके हम रिटर्न देखते हैं किस प्रकार के हैं 10 सालों में। देखिए 10 सालों में 772% की रिटर्न है, एक अच्छे नंबर है, मतलब आपका पैसा 700 या 800 कह सकते हैं, 8 times इन्होंने बढ़ा दिया। 1,00,000 रुपये उदाहरण के लिए अगर आपका इन्वेस्ट हुआ होता 10 साल पहले, तो आपको 872,000 बन गए होते। 5 सालों में 171% की रिटर्न है, 3 सालों में 27%, 1 साल में 7.5% से ज़्यादा के,
और जनवरी से लेकर अभी 2% के, 1 month में 1.17 के हैं और 1 week में थोड़ी सी डाउन साइड है 2.31। तो लगातार कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है FMCG की, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। लेकिन काफ़ी अच्छी इन द सेंस कि मैं आपको बाइंग की सलाह नहीं दे रहा, मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है, इतना ही कि आप कुछ कंपनियों के बारे में जानें। जो लोग मेरे चैनल्स के वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है कि इतने डिटेल्स में मैंने बताया है, बहुत डिटेल्स में नहीं बता सकता, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाता है तो लोगों को थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है। वैसे भी लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं सर थोड़ा शॉर्ट में बनाया करिए, बहुत लंबा चट लेते हैं आप। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ कंपनियाँ, देखिए 6-7 हज़ार कंपनियाँ हैं, अब उन कंपनियों में कौन सी कंपनी आगे आने वाले 10 सालों में उनका फ्यूचर देखते हुए कि हमें लॉस ना हो। मेनली क्या है कि प्रॉफिट भले ही थोड़ा कम हो लेकिन लॉस ना हो गुरु। तो इस हिसाब से मैरिको भी एक अच्छी कंपनी मुझे लगती है। और जो लोग चाहें FMCG में, चाहे ब्रिटानिया की भी हो, चाहे मैरिको हो, चाहे ITC हो, चाहे डाबर हो, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो, इन सब के बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं और बहुत अच्छे अच्छे डिविडेंड्स और बोनस भी समय समय पे देते रहते हैं। और अगर हम आपको इसका डिविडेंड भी दिखा देते हैं तो अगर हम डिविडेंड की हिस्ट्री पे चलते हैं, आइए हम पहले शेयर पैटर्न भी देख लेते हैं कि प्रमोटर्स के पास कितनी है। देखिए प्रमोटर्स के पास 59, मतलब 60% के आसपास, 59.71% के आसपास है। और इन्होंने मार्च 19 में थी 59.70 है ना, तो यहाँ से थोड़ी सी इंक्रीज़ की हुई है, 59.71 हो गई, बाकी अदर हैं 40.21। और म्यूचुअल फंड्स की काफ़ी स्कीम्स में पैसे लगा रखे हैं यहाँ पे, फ्रैंकलिन इंडिया, आदित्य बिरला, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप एंड UTI इक्विटी फंड्स ने। और इस प्रकार से अगर हम इनका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, ये यहाँ पे पेज खुल गया। देखिए 2019 में इन्होंने 2.75 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे किया था, तो एक अच्छा डिविडेंड है। और थोड़ा सा ऑब्वियसली प्राइस थोड़ा सा जिस हिसाब से इसकी बुक वैल्यू है महंगा तो लग रहा है जो स्टॉक प्राइस है, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा नीचे आएगा भी नहीं क्योंकि लोगों ने ले रखा है, लोगों ने भरोसा कर रखा है कंपनी पे। तो कुछ कंपनियाँ जो है इतनी शानदार प्रदर्शन करती हैं, उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं। अब देखिए उन्होंने जो बोनस दिया हुआ है, तीनों ने 2002 में दिया था, 2004 में दिया था, 2015 में दिया था। तो मान लीजिए आपने धीरे धीरे क्वांटिटी आप लेते रहे थे। कुछ लोग पूछते हैं कि बोनस किस प्रकार से रईस बना जाए, मैंने एक वीडियो ही बनाया था। तो मान लीजिए आप लंबे समय के निवेशक हैं, आपने क्वांटिटी किसी प्रकार से 2-3 हज़ार खड़ी कर ली किसी भी तरह से मेहनत करके कुछ सालों में, 2-4 साल 5 सालों में, और उसी बीच में अगर बोनस मिल जाता है आपको तो सीधे आपके शेयर्स जितने का दे डबल कर रहे हैं, एक पे एक दे रही तो आपके शेयर्स डबल हो गए। या फेस वैल्यू अगर टूटती, हालांकि इसकी फेस वैल्यू तो एक की है तो अभी स्प्लिट तो होने के चांसेस नहीं, लेकिन बोनस वोनस मिल सकता है। तो इस प्रकार से कंपनियां परफॉर्म करती हैं दोस्तों। तो आज मेरा यही सिर्फ आपसे डिस्कस करने का था मैरिको कंपनी के बारे में। और अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। और अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर हमारा वीडियो, अब जाके मैं कह रहा हूँ कि शेयर कीजिएगा, लाइक्स भी कीजिएगा, और आप कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट्स करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे जो है समय समय पर उनसे पूछ भी लेता हूँ। देखो बहुत बड़ा ज्ञानी तो मैं नहीं हूँ, मैं आप हमेशा कहता हूँ बहुत सारी चीज़ें मैं भी मिस कर सकता हूँ, एक बार में मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता। बहुत लोग, क्योंकि आप लोग भी अपडेटेड रहते हो, बहुत जो लोग निवेशक है लंबे समय के जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें पता होती, तो वो भी अगर शेयर करते हैं कॉमेंट बॉक्स में अच्छी चीज़ें तो और लोगों को भी मालूम पड़ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।